आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये वाली ड्राइंग बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका बाहर का सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो 200 है और इसके अंदर जो ये डैश्ड सर्किल देख रहे हैं इसकी रेडियस 151 है और ये जो अंदर वाला है यहाँ पर ये 200 है रेडियस। और ये पूरी जो आप ड्राइंग देख रहे हैं ये सर्किल से ही मिलकर बनी है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बाहर वाला सर्किल बनाएंगे जिसकी रेडियस 200 है। तो हम यहाँ पर C एंटर करेंगे, C एंटर और माउस से क्लिक करेंगे और अब 200 टाइप करके एंटर कर देंगे। तो देखिए 200 रेडियस का एक सर्किल बन चुका है। अब हम इसको जो ये UCS है इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 151 का एक ये हिडन सर्किल बना हुआ है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 151 एंटर। और अब आप यहाँ पर देखेंगे जो इसके बाहर की जो लाइंस हैं ये वाली, इसकी रेडियस 165 है और अंदर वाली की 135 है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, सी एंटर, 135 एंटर और सी एंटर, 165 एंटर। तो आप यहाँ पर ये ट्रायंगल देख रहे हैं, जैसे इस डायग्राम में ये जो बाहर वाला सर्किल यहाँ पर ये जो बनेगा वो 165 है और जो अंदर ये जो लाइन्स हैं ये जा रही है ये 135 है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एंगल है ये 30 डिग्री पर यहाँ से और इसके सर्किल से यहाँ पर टू पॉइंट सर्किल बना हुआ है। तो हम यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एल एंटर टाइप करेंगे और सेंटर पॉइंट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ से पोलर ट्रैकिंग ऑन कर लेंगे और यहाँ से इसको 30-60 सिलेक्ट करके, अब आप देखेंगे ये 60, ये 30 डिग्री है और ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब ये जो एंगल बचेगा यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा। ओके, तो अब हम यहाँ से एक टू पॉइंट सर्कल सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट। स्टेप से ड्रॉ हो चुका है। अब इसको हम मिरर सेलेक्ट करते हैं, MI एंटर और यहाँ से एंटर और इस पॉइंट से यहाँ पर एक ये इधर सर्किल ड्रॉ हो चुका है। ओके, अब हम इसको ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर, क्योंकि हम इसके बाद एरे कमांड का यूज़ करेंगे इसमें। इस टाइप से हम इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे, डिलीट और TR डबल एंटर, इसको और इसको। अब आप एरे कमांड का यूज़ करेंगे, ARR एरे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी ड्राइंग में चार हैं तो हम इनको चार पोलर एरे सिलेक्ट करेंगे और सेंटर पॉइंट, और अब इनको हम चार सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, 4 एंटर। तो देखिए ये 4 यहाँ पर बन चुके हैं। अब हम इसको लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब आप इसके अंदर देख रहे हैं जो ये सर्किल है ये वाला, ये सर्किल की जो यहाँ पर रेडियस दी हुई है वो 100 है। तो हम सी एंटर, जैसे 100 का एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो एंगल है 30 डिग्री, वहीं से इसकी ये कटा हुआ है, ये जो यहाँ ये इतना पार्ट आप देख रहे हैं 30 डिग्री का इसका हाफ। तो हम यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे दोबारा, एल एंटर और दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि हमने पोलर ट्रैकिंग ऑन की हुई है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको मिरर करते हैं। अब MI एंटर इस टाइप से। अब आप जो बचा हुआ पार्ट है उसको ट्रिम कर दें, TR डबल एंटर ऐसे, और इन दो लाइंस को भी आप डिलीट ही कर दें। अब हम इसका लाइंस का जो है आप भाग दे रहे हैं इसका एरे सिलेक्ट करेंगे, पोलर एरे। तो ARR AY इसको सिलेक्ट किया, एंटर, पोलर और सेंटर पॉइंट। तो आप देख रहे हैं 4 हैं यहाँ पर, तो हम 4 ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस टाइप से। अब आप इनके बीच में जो गैप है यहाँ पर हम टू पॉइंट सर्किल का यूज़ करेंगे जिसकी रेडियस 26 है। तो टू पॉइंट सर्किल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और अब हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं ये जो इसका बाहर का पार्ट है इस टाइप से। अब एरे ARAY इसको सिलेक्ट किया और एंटर किया, पोलर और सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 4 सिलेक्ट कर लेंगे इनके जो आइटम्स हैं।
एंटर। तो देखिए ये जो ड्राइंग है वो बन चुकी है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सर्कल्स का यूज़ करके, यहाँ पर मोस्टली टू पॉइंट सर्कल का यूज़ हुआ है और सेंटर सर्कल, सेंटर रेडियस वाला। तो इस टाइप से हम इस टाइप की ड्राइंग बना सकते हैं एरे कमांड का यूज़ करके।